एक साल में पूरा काला हो गया इंजीनियर, शायद एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए। और यही टाटा का वर्कशॉप है, आप देख सकते हैं। और कितना खर्चा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, तो टोटल खर्चा हुआ पंजाबी बना है। हम घर आ गए फाइनली सर्विसिंग करा के, और यहाँ पूजा पूजा तेरा कुछ पा रही हो। तो पूजा सुबह सुबह डुगू को क्या कर रही हो, पूजा खाना खिला रही हो? डुगू अपना टीवी देख रहा है, फेवरेट ऑल टाइम, इसको मना मना के खिलाना पड़ता है। बिना टीवी देखे खाना खाता ही नहीं है डुगू। चलिए चलिए अब मैं खाना खाने जाऊँ, नाश्ता करूँ सुबह का, मुझे निकलना भी है। चलो तो ब्रेकफास्ट में है खिचड़ी और गाजर का हलवा, खा के मैं भी निकलूँगा बाहर। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ टाटा का वर्कशॉप, क्योंकि मेरे सफारी का जो मेजर सर्विस होता है ईयरली, उसका टाइम आ गया है, तो वहीं जा रहा हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाता हूँ टाटा का वर्कशॉप और उसका सर्विसिंग, और भी उसके बाद बहुत सारे काम है, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी जाम में अटक गया, पता नहीं यहाँ पर कुछ भगवान का कुछ निकला है, रैली वैली हनुमान जी का में भी लग रहा है मुझे, कुछ पूजा जा कुछ रैली है। अभी रास्ता के बीचों बीच हो गया है, अब देखिए कब तक ये हटता है, अब कब मैं सर्विस सेंटर पहुँच पाता हूँ। तो फाइनली हम लोग आ गए टाटा मोटर सर्विस सेंटर, अब देख सकते हैं बहुत ही रास्ता खराब है यहाँ पर। तो चलिए अब अंदर जाए और गाड़ी को दिखाएं अपना। ये है टाटा मोटर सर्विस सेंटर, यहाँ पार्क करता हूँ गाड़ी को और बुलाता हूँ। ये है नया सफारी, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, नया सफारी भी, इसका इंटीरियर भी अच्छा है पहले से। देख सी ना तो सफारी का ये भी सर्विसिंग में आया हुआ है, ये सफारी भी। ये जा रहा है मेरा सफारी सर्विसिंग में। सफारी को इसके ऊपर उठाया जा रहा है लिफ्ट ऑफ के लिए, और लिफ्ट ऑफ करके इसका इंजन ऑयल निकाला जाएगा। और भी बहुत ही सारी गाड़ियाँ सर्विसिंग में आई हैं, और ये है टाटा का वर्कशॉप जो आप देख रहे हैं। और ये नया सफारी, शायद एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ये भी रिपेयर में आया हुआ है नया सफारी। जाएं हम अपने गाड़ी की तरफ, देखें कुछ काम शुरू हुआ कि नहीं। अभी सफारी को लिफ्ट अप किया जा रहा है ये निकालने के लिए इंजन ऑयल। भैया पता है उसका ना था लूज हो गया है, जब टाइट कीजिएगा ना तो अंदर का वो लूज है, तो टाइट कर दीजिएगा ना कवर, तो फ्रंट साइड में जो कवर है ना आगे तरफ ना लूज है। और ये है मेरे सफारी का नीचे का व्यू, ये गाड़ी का इंजन ऑयल निकल रहा है, पूरा काला हो, पूरा काला हो गया जनरेटर, एक साल में पूरा काला हो गया इंजन ऑयल। ये है डीजल फिल्टर, ये है मोबिल फिल्टर, ये दोनों अभी चेंज होगा, अभी मोबिल फिल्टर चेंज हो रहा है, वो निकाल रहे हैं अब ये लगाएंगे। तो अभी इंजन ऑयल डाला जा रहा है यहाँ पर 7.5 लीटर,
लेता है ये सफारी। तो यही सब काम हो गया, बस अब इंजन ऑयल डालना है और ये डीजल फिल्टर चेंज करना है। यहाँ पर ये चेंज करना है, और ये डीजल फिल्टर चेंज हो रहा है यहाँ पर, नया लग रहा है, पुराना हटा के ये निकाल रहे हैं और ये नया लगाएंगे अब कुछ देर में। और ये नया वाला लग रहा है डीजल फिल्टर, एडजस्ट करना है और पाइप सब लगा देना है। तभी वही एयर फिल्टर चेक किया जा रहा है ठीक है कि नहीं। यहाँ के जो मैनेजर है वो तो बोले एयर फिल्टर ठीक है, अभी चेंज होगा नहीं, फिर भी वो कुछ धुला वुला होगा तो ये खोल के साफ ऑफ कर देंगे फिर लगा देंगे। तो ये अभी खोल रहे हैं तो ये चेक कर रहे हैं अभी सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो स्टार्ट एक बार में हो गया। तो यही टाटा का वर्कशॉप है, आप देख सकते हैं सब गाड़ी भी खड़ा है। और ये है दो जनरेशन का सफारी साथ में खड़ा है, ये पहला जनरेशन डाइकोर और ये दूसरा जनरेशन स्टॉर्म, और ये नया जनरेशन वाला सफारी जो अभी रिपेयर में पड़ा हुआ है, शायद एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए। और ये नया सफारी, पूरा तीन जनरेशन का सफारी आपको दिखा रहे हैं। फाइनली कंप्लीट हुआ सर्विसिंग, अब जा रहा है वॉश होने गाड़ी, अब वॉश होके आएगा फिर निकलेंगे यहाँ से। जल्दी हो गया काम एट लास्ट। तो फाइनली गाड़ी वॉश होके आ गया है, अब गाड़ी चमक रहा है मेरा। भैया एक तो ऊपर भी सर ठीक से कर दिया ठीक है, ऊपर के ऊपर ऊपर भी थ्रक कर दीजिए छत पर। तो फाइनली वॉश होके आ गया, अब ये लोग कपड़े साफ़ कर देंगे बस, अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा लेके गाड़ी। तो फाइनली सर्विसिंग हो गया अब गाड़ी का, अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो चलिए अब घर की तरफ जा रहा हूँ, और कितना खर्चा हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो टोटल खर्चा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। तो इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब मिला उला के, डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर सब मिला के लगा है 5,662 रुपया। और लेबर कॉस्ट आपका लगा है टैक्स उस लेके ये लगा है 3,075 रुपया। तो टोटल लगा है हुआ है कॉस्ट 8,737 रुपया, 8,737 रुपया। यही है कॉस्ट सफारी का, मेंटेनेंस का। अगर आप गाड़ी रख रहे हो तो अगर टाइम से उसको मेंटेन करोगे ना तो गाड़ी आपका कभी भी धोखा नहीं देगा रास्ते के बीच में। तो हमेशा जो टाइम दिया जाता है सर्विसिंग का, उस टाइम में सर्विसिंग करा लिया कीजिएगा अपने गाड़ी का, चाहे कोई भी गाड़ी हो मेरा तो, या फिर 10,000 किलोमीटर में या फिर एक साल में। तो 10,000 किलोमीटर चल होता नहीं है मेरा, तो मैं एक एक साल में ही आता हूँ अपना गाड़ी लेके सर्विसिंग के लिए। तो यही है, अब निकलूँ मैं घर की तरफ। तो चलिए फाइनली घर आ गए। टुगू चलो चलो चलो, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो चलो टुगू टुगू पंजाबी बना है। हम घर आ गए फाइनली सर्विसिंग करा के, और यहाँ पूजा पूजा चेहरा क्यों छुपा रही हो, ये बाबा नहीं, हम सबको दिखाएंगे व्यूअर्स को तुम कैसी लग रही हो। लो फोकस मार दिए पूजा, ये क्या था, टुगू आया है, चलो डुगु डांस दिखा तो डुगु पूजा चाय लाओ तो चाय पिया जाए। तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ, पूरा दिन लग गया आज। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।